भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी शशांक कुमार सावन ने सोमवार को कैथल के एसपी का काम संभाला। इससे पहले शशांक कुमार सावन गुरुग्राम में डीसीपी के पद पर तैनात थे। पत्रकारों से बात करते हुए शशांक कुमार सावन ने नशे की रोकथाम, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक की सुचारू आवाजाही को अपनी प्राथमिकता बताया। आइए एसपी शशांक कुमार सावन की यह साउंड बाइट सुनते हैं। अभी आप लोगों ने बताया कि यहाँ पे नशे का जो वो इलीगल ट्रेड है वो काफी है, तो उस पर फोकस रहेगा। क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे गृहमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का जो डायरेक्शन है वो फॉलो किए जाएंगे और उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जैसे आप लोग ने बताया कि शहर में ट्रैफिक की समस्या है, तो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके कोशिश करेंगे कि समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। अभी तो नशे के खिलाफ तो कैंपेन चल रहा है ना, उसमें अच्छी रिकवरी भी हो रही है। अभी भी एसपी साहब जो थे वो बता के गए हैं, कुछ ऑपरेशन अंदर में है तो उसके रिजल्ट एक दो दिन और भी दिख जाएंगे आपको। और हमारे जो CIA की टीम्स हैं और जो स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट है उनको, और वो भी काम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो काम है उसे हम कंटिन्यू रखेंगे और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी इम्प्रूवमेंट की तो बिल्कुल करेंगे। और आप लोग से भी और जनता से भी ये गुजारिश है कि इस मामले में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कृपया करके पुलिस से साझा करें। ये सब ऐसी प्रॉब्लम है जो बिना जनता के सहयोग से नहीं रिजॉल्व होती है, तो सबका कोऑपरेशन रहेगा तो आशा करते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे। इसमें OTP फ्रॉड्स हो रहे हैं चाहे या पैसे अकाउंट से निकाल लिए जाएगा, तो अगर यहाँ पे साइबर सेल IT सेल गठित नहीं होगा इसके लिए अगर, तो फिर गठित किया जाएगा। अगर गठित है तो फिर काम कर रहे हैं। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है गुड़गांव में, वहाँ पे साइबर थाना भी मैं रहता था, तो उस एक्सपीरियंस को यूज करके यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि जल्द इस प्रॉब्लम को सुलझाया जाए। ये सॉल्व होते हैं अगर आप कठिन परिश्रम करें और कुछ थोड़ी नॉलेज और ट्रेनिंग की कमी होती है। तो जरूरी नहीं कि मुलजिम पकड़े भी जाते हैं, काफ़ी दूर बैठे होते हैं और कई केसेस में पैसे रिफंड हो जाते हैं, तो बहुत तरीके से इसको सॉल्व करने के तरीके होते हैं, तो सब पे किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि मेरा एक्सपीरियंस इसमें ठीक ठाक रहा है वहाँ पे बुलवाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि वहाँ का अच्छा काम यहाँ भी है। पुलिस कर्मचारी से यही डायरेक्शन है कि आप मेहनत से और लगन से काम करें और जनता की सेवा करें। हम लोग यहाँ पे जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और अपने आप को जनता का सेवक समझें, नहीं कि जनता का मालिक समझें, और इसी प्रिंसिपल पे हम लोग यहाँ पे काम। तो नो एंट्री जोन होगा, नो एंट्री जोन है दिन में कि नहीं है? तो उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर दिया जाएगा अगर नहीं हो रहा है तो। बाईपास इसलिए बनाया गया था कि जो हैवी ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाए, खास करके सुबह 8 से रात को 8 बजे तक, तो इस पर स्ट्रिक्टली इसकी इन्फोर्समेंट होगी। और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि हेवी व्हीकल्स जो है, जो कि सिटी बाउंड नहीं है, जो कैथल डिस्ट्रिक्ट सिटी बाउंड नहीं है, वो बाहर से निकलेंगे। दोस्तों, SP के मैसेज को पूरे जिले में फैलाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।